जय हिंद वंदे मातरम साथियों, मैं प्रिंस वेलकम करता हूँ स्टडी फॉर जीनियस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है भाई, यहाँ पर दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 में आप सभी का जो एग्जाम है उसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आई होप आप सभी को ये पता होगा कि आप सभी का जो एग्जाम है वो 21 अक्टूबर को होने वाला है। ये सभी को पता होगा भाई जिसने ड्राइवर का फॉर्म फिलअप किया है। लेकिन दोस्तों छात्रों में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि भाई जिन्होंने तैयारी की हुई है वो भी बच्चा डर रहा है, जिनकी तैयारी नहीं है वो तो आप सभी को पता है पहले से ही डरेगा। जिनकी तैयारी है वो क्यों डरेगा, क्योंकि भाई एग्जाम जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर नहीं आ जाए, इसलिए उस बंदे को डर लग रहा है। और जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसको तो वैसे ही डर है कि भाई मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं एग्जाम में क्या करूंगा। तो ये डर आपका कैसे निकलेगा, क्या एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ये आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज हो, यही दोस्तों इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तो आप सभी को पता होगा कि 21 अक्टूबर से आप सभी के एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, एग्जाम स्टार्ट होने वाला है दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, ठीक है। और आप सभी के जो एडमिट कार्ड है वो भी आप सभी ने डाउनलोड कर लिए होंगे। बहुत से लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, रिजेक्ट का कारण यही है, या आपने फॉर्म में अपना नाम वगैरह गलत डाल दिया है, या फादर नेम या डेट ऑफ बर्थ। लेकिन जिन्होंने दोस्तों लर्निंग लाइसेंस यूज किया था उनका भी जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है, ठीक है। वो बाद में देखा जाएगा उनके साथ क्या होता है, लेकिन अभी तक तो उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सेफ है। लास्ट टाइम में क्या पढ़े ये सभी का दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है भाई। देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने एग्जाम दिया था एसएससी जीडी का तो मैंने लास्ट टाइम में क्या पढ़ा था वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई एसएससी जीडी अलग है, ये अलग है, तो भाई दोनों को करा तो एसएससी ही रहा है ना, एसएससी करा रहा है, लेकिन एग्जाम थोड़ा इजी आता है एसएससी जीडी का, मुझे पता है ये थोड़ा सा टफ आएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ ना कुछ मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। क्या है चलिए जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपने पढ़ा है बस उसको ही रहने दीजिए। अब अगर आप नया पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो पुराना जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग से आउट होने लगेगा। मेरे दोस्तों मानना यही है कि जो चीज आपको आती है बस उस पर ही रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि दोस्तों आप सभी को पता है इसमें जो नंबर आपके बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे दोस्तों ड्राइवर पार्ट से, क्योंकि ड्राइवर पार्ट इसमें दोस्तों है आपका कम से कम दोस्तों 50, कम से कम नहीं पूरा ही दोस्तों श्योर है कि 50 नंबर का ड्राइवर पार्ट आएगा, ठीक है। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, गणित को टाइम दे रहे हैं, मैथ को टाइम दे रहे हैं। भाई जो मैथ है उसको टाइम क्यों दे रहे हो, केवल 10 नंबर का आपका मैथ आने वाला है, केवल 10 नंबर का, ठीक है। और बाकी 20 नंबर की दोस्तों आपकी रीजनिंग है, ठीक है, 20 नंबर की रीजनिंग और 20 नंबर की दोस्तों जीके जीएस है, ठीक है भाई, जीके जीएस है। देखिए दोस्तों इसको पढ़ोगे कितना भी पढ़ लेना, इसमें आपके दोस्तों 14-15 स्कोर आप कर सकते हो, हाईएस्ट स्कोर रहता है, लेकिन जो एवरेज बच्चा होता है इसमें 10-12 पहुंच पाता है। तो इस चीज को तो आप छोड़ दीजिए, एक ये चीज और एक ये चीज, लास्ट टाइम बता रहा हूं मैं। अगर आप दोस्तों इस चीज पर ध्यान करोगे, इन दोनों चीजों पर फोकस करोगे, क्योंकि रीजनिंग में दोस्तों 20 में से 20 नंबर आप ला सकते हो, 50 नंबर इसमें से भी ला सकते हो अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा है, 50 में से दोस्तों कम से कम 40-42 नंबर तो आराम से ला लोगे अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है। अब आपको इन दोनों दोस्तों सब्जेक्ट में फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि 50 और 20-70 होता है जो आपने पढ़ा है। अब इन दोनों को क्या बोलेंगे, छोड़ने, नहीं दोस्तों इन दोनों को छोड़ना नहीं है, इन दोनों को आपको कंबाइंड पढ़ना है। यानी कि दोस्तों इन दोनों को थोड़ा कम टाइम देना है, इन दोनों को ज्यादा टाइम देना है, ठीक है, इन दोनों को टाइम ज्यादा आपको देना है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप ज्यादा टाइम देंगे तो इंक्रीज भी आपका इनमें से होगा। अब देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम में मैंने आप सभी लोगों के लिए 5000 क्वेश्चन दिए हैं, अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, लेना चाहते तो ले सकते हैं। देखिए ये नंबर है 6396453592, इस नंबर पर दोस्तों आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करने के बाद मैं आपको दोस्तों 5000 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसके लिए दोस्तों केवल आपको यहां पर 100 रुपए का पेमेंट करना है भाई। 5000 क्वेश्चन में क्या क्या होगा, देखिए भाई ड्राइवर के होंगे, ठीक है, और रीजनिंग के होंगे और जीके जीएस के होंगे। मैथ तो मैं इसमें नहीं दे रहा हूं भाई, क्योंकि मैथ तो आप सभी को पता, थोड़ा बहुत आपने कर लिया है तो वो ठीक है। इसमें दोस्तों 3 चीज रहेंगी, तो ड्राइवर का पार्ट है इसमें, इसमें रीजनिंग है, इसमें जीके जीएस है। तो अगर आप तीनों को दोस्तों कंबाइंड करके पढ़ना चाहते हैं तो इसमें मैंने आपको 5000 क्वेश्चन दे दिए दोस्तों, 5000 क्वेश्चन है। आप यकीन माने दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चन को कर जाते हैं ना तो वास्तव में आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो 5000 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ना, ये 5000 जो क्वेश्चन है ये दोस्तों एग्जाम को वास्तव में निकालने का प्रयास करेंगे। पुंगी बजा दूंगा एग्जाम की, रियल बता रहा हूं मैं, अगर ना बजाओ ना तो मुझसे मिले रहे एक बार आके कि भाई आपने बताए थे और स्कोर इंक्रीज नहीं हुआ।
वास्तव में होगा भाई इसको इंक्रीज, क्योंकि ड्राइवर में मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें दिए हैं, रीजनिंग में दिए हैं और जीके जीएस में दिए हैं। जीके जीएस का दोस्तों टारगेट आपका यही होना चाहिए कि 14-15 का, और इसमें से आप 50 में 50 लाने की कोशिश कीजिएगा कंप्लीट, क्योंकि भाई जीके जीएस आज तक कोई बटे में से बटे नहीं ला पाया है, ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। इसलिए दोस्तों सब्जेक्ट दो ही ऐसे हैं जिनमें से आप बटे में से बटे ला सकते हैं, वो है मैथ और रीजनिंग। जिसने मैथ पढ़ा हुआ है तो वो तो आराम से निकाल लेगा, क्योंकि मैथ पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो कर लोगे, वरना नहीं है। अब तो आपको दोस्तों ये दोनों चीजों को ध्यान देना है, रीजनिंग और ड्राइवर पर, क्योंकि रीजनिंग का दोस्तों आपके दिमाग का खेल है, इसमें ना कोई ट्रिक है ना कोई दोस्तों फॉर्मूला है, ये तो आपके दिमाग की उपज है। तो अगर आप दिमाग से थोड़ा बहुत अगर आपका दिमाग यानी आपका दोस्तों जो कोडिंग अगर आप दिमाग में सही कर लेते हो तो आराम से दोस्तों इसमें नंबर ला सकते हो बटे में से बटे रीजनिंग में। खुद मैंने भी किया इसको बटे में से बटे का, हिंदी में भी किया था आपका दोस्तों एसएससी जीडी में। तो ये दोस्तों दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, ठीक है, मेरा मैथ कमजोर था इसलिए मेरा मैथ नहीं हो पाया था। तो आप टेंशन नहीं लेने दोस्तों, हमेशा एक ना तो एक या दो सब्जेक्ट तो सभी के वीक होते ही हैं, मेरे भी थे आपके भी होंगे, हो सकता है दोस्तों क्या पता आपके एवरेज हो, वीक नहीं बोलूंगा मैं, एक एवरेज होता है, किसी में किसी का दिमाग ज्यादा चलता है, जैसे मेरा दिमाग चलता है मैथ में, सॉरी मेरा दिमाग रीजनिंग में ज्यादा चलता है और हिंदी में ज्यादा चलता है थोड़ा सा। मैथ में इतना नहीं है कि बिल्कुल मैं कमजोर ही हूं, नहीं है दोस्तों, एवरेज हूं, यानी अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 7-8 तो आराम से मैं कर देता हूं, ठीक है। यानी दोस्तों ये समझिए कि आप भी ऐसे होने चाहिए कि अगर 10 क्वेश्चन अगर आपके मैथ के आ रहे हैं, अगर आप मैथ में ठीक ठाक हैं तो आराम से दोस्तों कम से कम 10 में से 10 भी ला सकते हो, 9 भी ला सकते हो। अगर आप 8 या 7 क्वेश्चन भी कर रहे हो ना तो अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप एक एवरेज स्टूडेंट है। कमजोर तो वो कहलाते हैं जिनमें 3 या 4 ही होते हैं, ठीक है, 5 भी ला रहा है ना वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये 100 रुपए की पीडीएफ है, 5000 क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम में देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप अच्छे से दोस्तों इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपका इस, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई आप पूरा एग्जाम क्रॉस कर जाओगे, नहीं, जिसने पढ़ा हुआ है पहले कुछ ना कुछ, जिसको अपना स्कोर इंक्रीज करना है, जिसका दोस्तों प्रैक्टिस सेट में इतना स्कोर आ रहा है 50 से लेकर 60 के बीच में आ रहा है, तो उसका स्कोर दोस्तों इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद दोस्तों 70+ स्कोर आने लग जाएगा। कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन आपके इंक्रीज होंगे दोस्तों इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद। क्यों? क्योंकि वास्तव में दोस्तों इस पीडीएफ में मेहनत की गई है, और वो चीज मैंने आपको यहां बताने की पूरी कोशिश की है कि इसमें है क्या, इसमें वही चीज है। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें मैं आपको दे रहा हूं दिल्ली पुलिस के, और वास्तव में दोस्तों इसमें ड्राइवर का पार्ट भी आपको मिल रहा है जो एग्जाम में आएगा, रियल बता रहा हूं एग्जाम में आएगा, वही चीज मैं आपको दे रहा हूं, जिसको विश्वास है वो ले सकता है, जिसको नहीं है तो वो मत लीजिएगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो आपका दोस्तों ये मैं एक मोटिवेशन वीडियो लेकर आया था कि अगर आप थोड़े चिंतित हैं अपने एग्जाम को लेकर, भाई चिंतित की जरूरत ही क्या, जो आपने पढ़ा है बस उसका रिवीजन कीजिए, जिसको पीडीएफ लेना है वो पीडीएफ ले सकता है, जिसको नहीं लेना है तो मत लीजिएगा भाई। मैं तो पूरी दोस्तों आपके सामने सेटिस्फाइड आप सभी को कर रहा हूँ, जिसको जरूरत है वो लीजिए, जिसको नहीं जरूरत है, जिसको लग रहा है कि हाँ मैं क्रॉस कर जाऊंगा एग्जाम मेरा पीडीएफ के, तो वो मत लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बस ये एक मैं आप सभी को बात बोलूंगा, जिसको पीडीएफ चाहिए वो ले सकता है और जिसको नहीं चाहिए वो मत लीजिएगा। एक बात और बोलूंगा दोस्तों, देखिए आपको जब एग्जाम में जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है भाई, जो आपने पढ़ा है सिर्फ दोस्तों उसको ही आप देखिएगा। सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, बंदा जब कंप्यूटर पर बैठ जाता है, जब सेटअप पर बैठ जाता है ना, तो वहां पर उसका हाथ जो है थोड़ा कांपने लगता है, कांपना नहीं है मेरे दोस्त, आराम से दोस्तों ये सोचेगा कि भाई घर पर एग्जाम दे रहा हूं। जैसे आप घर पर दोस्तों एग्जाम देते हैं ना, बिल्कुल नहीं हांफते हैं, घर पर आप बोलते हैं यार तो मैं इसे तो मैं कर आता, इसको तो याद है, ऐसे आपको अपर पेपर पर फोकस करना है, टाइम को नहीं देखना है। टाइम देखोगे तो दोस्तों घबराते रह जाओगे, टाइम पर फोकस नहीं करना है, सबसे पहले उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है जो आप पर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो मैथ का है, चाहे रीजनिंग का है, चाहे जीके जीएस का है, सबसे पहले 100 क्वेश्चन तक आपको चले जाना है, 100 क्वेश्चन तक दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं जो आपसे आते हैं। बाद में दोस्तों उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है जिन पर आप ये श्योर है कि इसमें ए है या इसमें बी है, जो दो ऑप्शन पर आपका डाउट बना हुआ है उन क्वेश्चनों को फिर बाद में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर आपको दोस्तों रह जाएंगे वो क्वेश्चन जिनमें आप बिल्कुल श्योर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल श्योर नहीं है। तो अगर टाइम बचे तो आप ये देखिए कि इसका कम से कम आपको उसमें परसेंटेज निकालना है। जैसे चार आपके सामने ऑप्शन है कि एक ऑप्शन तो दोस्तों आपको पता है कि ये 40% हो सकता है, दूसरा ऑप्शन आपको पता है कि 20% हो सकता है, तीसरा आपको ऑप्शन पता है कि 10% हो सकता है, ठीक है भाई, और चौथा ऑप्शन आपको पता है कि 30% हो सकता है, 30% इसका राइट आंसर हो सकता है। तो आपको दोस्तों 40% वाले ऑप्शन को चुनना है, ठीक है, कि हाँ ये श्योर है कि इसका आंसर ये हो सकता है। आपको वो ऑप्शन तो हटा देने कि भाई ये
तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ऐसे चार ऑप्शन आपके सामने होते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इसको हटा दीजिए। फिर आपको इन तीनों पर दोस्तों दिमाग लगाना है कि इनमें से होगा कौन, इनमें से होगा कौन। फिर आपको सोचना है कि भाई ये तो होगा नहीं, चलो। फिर आपके सामने दो ऑप्शन बच जाएंगे, फिर दो ऑप्शन में तो खेल किया रह जाता है। अब आपको वो सेलेक्ट करना है कि हाँ इसमें से परसेंटेज किसका ज्यादा आ रहा है, यानी इसमें से कौन सी संभावना ज्यादा बता रही है एग्जाम के कि ये इसका राइट आंसर हो सकता है। तो आपको दोस्तों ऐसे करने है, लास्ट में जाने के बाद आपको ऑप्शन काट काट कर दोस्तों उनको सेलेक्ट करना है, ठीक है। लास्ट में जाने के बाद फर्स्ट बार में तो आपको जो आपको पता हो ये ऑप्शन है इसको राइट कर दीजिए, बस यही खेल होता है दोस्तों एग्जाम निकालने का। जिसको ये खेल पता चल गया ना, नेगेटिव से डरना नहीं है, नेगेटिव से बिल्कुल नहीं घबराना है, नेगेटिव आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर आप दोस्तों मान के चलिए आप 20 क्वेश्चन भी तुक्का लगाते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, 20 क्वेश्चन पर भी आप तुक्का लगाते हैं, 20 क्वेश्चन में आप तुक्का लगाते हैं, 20 में से दोस्तों मान के चलिए आपने यहां पर 7 क्वेश्चन भी सही कर दिए, 7 क्वेश्चन सही कर दिए 20 में से आपने तुक्का लगाकर, इतने तो हो जाते हैं भाई तुक्के में, 7 क्वेश्चन सही कर दिए और दोस्तों -1/4 की है, ठीक है, -1/4 की है, यानी दोस्तों आपने इसमें 13 क्वेश्चन गलत किए, 13 क्वेश्चन गलत किए, तो लगभग दोस्तों आपके अगर इसमें देखें तो लगभग 3 क्वेश्चन जा रहे हैं, 3 पॉइंट कुछ जा रहे हैं, 3.25 क्वेश्चन जा रहे हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों यहां से 3 क्वेश्चन इसमें से माइनस कर दीजिए, तो भाई प्लस में तो अब भी आप 4 में ही हैं, अब भी दोस्तों आपके 4 क्वेश्चन प्लस में हैं या नहीं है आप मुझे बता दीजिए, है या नहीं है। तो वास्तव में दोस्तों तुक्का लगाना कोई इसमें घाटे का सौदा नहीं है, तुक्का लगाना एक फायदे का सौदा ही है, क्योंकि आप देखिए 20 में से दोस्तों मैंने आपके 7 क्वेश्चन ठीक किए ओनली, ज्यादा भी हो जाते हैं भाई, ज्यादा भी हो जाते हैं। मैं अगर यहां पे 6 भी समझता ना, अगर आपके 6 भी क्वेश्चन ठीक होते तो आप देखिए आपके दोस्तों यहां कितने क्वेश्चन गलत होते हैं, यहां पर होते दोस्तों आपके 14, ठीक है, और ये दोस्तों 4 या 12, 3.5 आपके कट जाते, 3.5 काटिए इसमें से 4 में से, ठीक है, 3 पॉइंट अगर आप 5 काटेंगे तो कितने बचेंगे आपके दोस्तों, ये 2.5 नंबर तो जब भी आपका प्लस में ही जा रहा है, अरे भाई जब भी 2.5 नंबर प्लस में हो आप, तो इसलिए दोस्तों घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से दोस्तों प्लस में ही जाओगे आप। यार 20 में से 6 क्वेश्चन कौन सही नहीं कर सकता, कोई भी सही कर देगा। तुक्का लगाने की बात बता रहा हूं मैं लास्ट में दोस्तों, अगर आपको तुक्का लगाना है ना, किसी की किस्मत ही खराब होगी ना, वो 5 भी कर सकता है, 20 में से 5, समझ लो 20 में से 5 ही दोस्तों, तो किस्मत खराब इतनी भी नहीं होगी कि आपके 20 में से 6 भी नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप 10 भी प्लस कर दो, 12 भी कर दो, वो आपकी किस्मत की बात है कि आपकी किस्मत क्या खेल है। अगर आपको जॉब लेनी होगी तो लेंगे, यार 5 से नीचे तो कोई भी ऐसा नहीं होगा बंदा जो 5 से नीचे क्वेश्चन कर दे तुक्के में, जब भी बराबर में छूटोगे आप, अगर 5 से नीचे भी करोगे जब भी बराबर में छूटोगे। तो इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, अपने आप पर भरोसा रखना है कि हाँ मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है भाई। तो ये आज की दोस्तों वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।